हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपनी पिक को पिक्स आर्ट से कुछ इस टाइप से एडिट करना है तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी पिक को पिक्स आर्ट से कुछ इस टाइप से एडिट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको पिक्स आर्ट को ओपन करना है। पिक्स आर्ट को ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल फोटोज़ में आना है। ऑल फोटोज़ में आने के बाद आपको बैकग्राउंड पिक्स आर्ट में ऐड कर देना है। बैकग्राउंड पिक्स आर्ट में ऐड करने के बाद आपको ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में जाने के बाद आपको न्यू लेयर ओपन करना है। न्यू लेयर ओपन करने के बाद आपको सिंपली ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको अपनी फोटो को ऐड कर लेना। अगर आपको अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वेबसाइट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी जाकर अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम है बीजी रिमूव, और सिंपली आपको अपनी फ़ोटो को ऐड करना और यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेना और कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको अपनी फ़ोटो को सेट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली लेयर में आना है और फ़ोटो वाली लेयर आपको नीचे कर देना है। फोटो वाली लेयर नीचे कर देना है। उसके बाद आपको ब्रश में आना है। ब्रश में आने के बाद आपको ओपेसिटी को बढ़ा लेना है। साइज़ को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। साइज़ को अपने हिसाब से सेट कर लेना। और कलर्स में आना। कलर्स में आने के बाद आपको वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना और सिंपली आपको अपनी पिक को जूम करना और कुछ इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करना। जिस तरीके से आपको वाइट लाइन ड्रॉ करना। सिंपली आपको रेजर पे क्लिक करना है। रेजर पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है और सेट पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आपको इरेज कर देना। जिस तरीके से आपको इरेज कर देना। सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड करने के बाद आपको टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद एडजस्ट में आना है। एडजस्ट में आने के बाद आपको क्लियरिटी को बढ़ा देना है। क्लियरिटी को बढ़ाने के बाद आपको रेजर पे डबल टैप करना है। रेजर पे डबल टैप करने के बाद आपको अपनी पिक को जूम करना और कुछ इस तरीके से फेस की साइड से इरेज कर देना। उसके बाद आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आपको ब्रोशर्स में जाना है। ब्रोशर्स में जाना है। ब्रोशर्स में जाने के बाद आपको स्टार का कंट्रास्ट देना है अपनी शेड के ऊपर। और आप साइज़ को अपने हिसाब से सेट कर लेना और ओपेसिटी को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से स्टार का कंट्रास्ट देना है अपनी शेड के ऊपर। कुछ इस तरीके से आपको स्टार का कंट्रास्ट देना अपनी शेड के ऊपर। शेड के ऊपर स्टार का कंट्रास्ट देने के बाद आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको एरो पे क्लिक करना है और अपनी पिक्चर्स को सेव कर लेना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जो आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक। बाय।